हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। भारत सरकार मंत्रालय की तरफ से परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। 8,000 से भी अधिक पद हैं। 10th पास कैंडिडेट, 12th पास कैंडिडेट, एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब रहेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है वो दिखाऊंगी, जिसमें वैकेंसीज कितनी है, किस पद की, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या कही गई है, रिजर्वेशन किस कैटेगरी को कितना आयु में छूट दी गई है। फीस की यदि हम बात करें तो ज़्यादा फीस नहीं है। जनरल और ओबीसी की जो है 100 रुपीज़ है, और वुमेन कैंडिडेट SC ST PWD की जो है कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं, जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे, अंतिम डेट जो है वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखें वैकेंसीज जो है, जिसमें MTS का पद है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, 4,887 इसमें वैकेंसीज है। केवल 10th पास कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हवलदार इन CBIC एंड CBN, 3,439 वैकेंसी इसमें आई हुई है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ में आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। एज की यदि हम बात करें तो एज जो है यहां पर MTS के पद के लिए 18 से लेकर 25 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक और जो वैकेंसी आई हुई थी SSC की तरफ से, जिसमें कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि मैम एज जो है समझ में नहीं आती है, तो एज अगर आप यहां देखेंगे तो 28,1999 से लेकर 18,2006 तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो डेट लिखी हुई है, यानी किसी की जो एज है 18,2006 है MTS के लिए, तो वो भी जो है आवेदन कर सकता है। लेकिन इससे अधिक, एक दिन भी अधिक है, तो वो बिल्कुल इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हवलदार इन CBIC एंड CBN में जो एज है 18 से 27 साल है, आयु में छूट जो है कितनी है, तो SC ST 5 साल की है, OBC 3 साल की, PWD अनरिजर्व कैटेगरी की 10 साल की है, OBC में 13 साल की, SC ST में 15 साल की है। जो एक्स सर्विसमैन है तो उनकी 3 साल की छूट दी गई है। और वुमेन की अगर हम बात करें तो विडोज हैं, और बाकी 35 ईयर तक जो है इसमें आवेदन कर सकती हैं। SC ST के अंतर्गत जो है 40 वर्ष तक इसमें उम्र रखी गई है। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन या इसके इक्विवेलेंट आपने पास किया हो, ठीक है। तो जो 10th पास कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं। इससे अधिक आपने 12th ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से पास की है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन ज़्यादा भी नहीं मांगी गई है। कैसे अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको सीरियल नंबर 10 जो है वो पूरा पढ़ना होगा। 81 पेजेस की जो है ये PDF फाइल है। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 31 जुलाई 2024। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपीज़ है, जिसमें वुमेन कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कोई फीस नहीं है। तो काफ़ी अच्छी जो है वैकेंसी है ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, SSC की तरफ से जो है पहले वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते थे, और उसमें जो है 17,000 से अधिक जो है वैकेंसी जारी की गई थी। उसके बाद ये नया नोटिस है, पूरा विज्ञापन बिल्कुल नया है, SSC की तरफ से ही है ये भी, जिसमें मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार की वैकेंसी है। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जून से स्टार्ट है, 31 जुलाई तक चलेंगे। आराम से जो है बिल्कुल पूरी PDF फाइल को पढ़ना है और फिर आवेदन करना है। हाउ टू अप्लाई ये पूरा आप लोगों को प्रोसेस देखना है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसिप्ट की 31 जुलाई ही रहेगी। उसके बाद जो है इसमें एक जो है एग्जाम रहेगा, जो कि अक्टूबर नवंबर में रहेगा। तो ये जो जॉब है जिसमें केवल एक एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, बिना इंटरव्यू को केवल एक एग्जाम फाइट करना है, और इतनी अच्छी जॉब जो है वो आपको मिल सकती है। 48,000 से अधिक जो है आपकी सैलरी इसमें रहेगी। उसके बाद जो है ये बढ़ जाती है, आप सभी जानते हैं, ग्रुप सी के अंतर्गत जो है ये
वैकेंसी जारी की गई है, ठीक है। और इसमें जो है पे लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक ऑफ 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी रहने वाली है। हवलदार की यदि हम बात करें तो हवलदार में भी जो है लेवल 1 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। तो ये वैकेंसी है और मुझे जहां लगता है कि 10th पास 12th पास कैंडिडेट, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जॉब सर्च कर रहे हैं और परमानेंट वैकेंसी की जो है बिल्कुल उनको ज़रूरत है, परमानेंट जो है जॉब करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर्मचारी चयन आयोग ऑफिशियल वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।